Hi, I'm Shalene Malhotra. Hi, this is Kaveri Prem and you guys are watching us on Filmy Beat. Hi guys, welcome to Filmy Beat. Congratulations. Shalene, you have been talking about it. यार मेरे को इतना टाइम हुआ नहीं पता नहीं लोग ऐसा एहसास दिला रहे हैं मैंने बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया है लेकिन मेरा पिछला शो तकरीबन एक साल पहले ही खत्म हुआ है यार। हाँ बट ऐसे इस तरह से फुल फ्लेज्ड टीवी में आना, हाँ ये इसको काफ़ी साल हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता मेरे कमबैक के लिए इससे बढ़िया शो हो सकता था। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे मेरे सिर्फ चेहरे के लिए नहीं एज अ एक्टर के लिए कास्ट किया है, जिसके क्योंकि इसमें बहुत सारी परतें हैं, ये बहुत सारे किरदार बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं और सिर्फ हम छः नहीं, शो में जितने किरदार हैं सब बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। लेकिन मैं बायस्ड होकर ये बात बोल सकता हूँ कि जितनी परत या जितनी लेयर्स करण के कैरेक्टर में, उतनी लेयर और किसी कैरेक्टर में है नहीं। तो इसके लिए मेरा कमबैक करना एक इस ऐसे किरदार के साथ बहुत ही मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि हर चीज़ है जो धीरे धीरे खुल रही है, सिर्फ यूनिलैटरल नहीं है, इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। पहले तो ये यूथ बेस्ड शो है जो कि हर एक्टर का ख्वाब होता है कि टेलीविजन में कुछ वो ऐसा करे, तो आई थिंक दिस इज़ सॉर्ट ऑफ समथिंग जो मैं करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग इट थरली। एक्चुअली मेरी जिद थी कि मैं ये शो करूँ मेरी भी जिद थी, बट आई थिंक मोर देन दैट, आई थिंक एज एन एक्टर व्हेन यू थिंक ऑफ बिकमिंग एन एक्टर यू योर सेल्फ हैव शोन योर जिद, क्योंकि बिना जिद के यू कांट बी एन एक्टर एंड दैट इज व्हाट द स्टॉलवर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री विल ऑल्सो टेल यू दैट मच ऑनेस्टी एंड दैट मच स्टबर्ननेस इज नीडेड। तो वो दूसरा ये शो मैंने मांग के लिए है ऑनेस्टली। ये लोग बेहतरीन अदाकार लोग हैं, ये बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, इन सबको कास्ट किया गया है, मैंने ज़बरदस्ती खुद को कास्ट करवाया है बोल बोल के दिमाग में घुस के कि मुझे चाहिए। तो हाँ, तो जिद तो थी और एक्चुअली मैंने कुछ शोज छोड़े हैं सो दैट आई कुड एक्ट इन दिस शो। शो में वो तो आई थिंक आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही पता चलेगा, बट मोर देन दैट आई थिंक द फैक्ट कि जिद दोनों को एक साथ लेकर आती है, वो जिद है और वो जिद्दी दिल है जो इन दोनों को एक साथ लेकर आता है, एक जगह पे लेकर आता है, एक आसमान के नीचे लेकर आता है। देखिए मैं बिल्कुल विपरीत हूँ, आई एम कंप्लीट ऑपोजिट टू व्हाट आई एम प्लेइंग, not a complete opposite. See, I'll take a minute of yours and I'll tell you, I believe that every man and every woman has every emotion. As a character there are some predominant expressions that and emotions that you show. To karan ka wo gussa, karan ka wo khadoos pana, wo ek aspect hai jo shalin ke andar bhi, to wo us aspect ko zyada dikhate hain to wo kirdar waisa lagta hai, par asliyat mein wo mera kirdar mein mere kai characteristics mein sabse niche hai, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डल एनवायरनमेंट में तो नहीं जी सकता भाई, मैं बहुत ऑपोजिट हूँ उस चीज़ के। और पर ये काफ़ी सिमिलर है, ये उतनी काइंड है। या इट्स द सेम थिंग, द कैरेक्टर्स दैट यू प्ले आर एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो आई थिंक मुनामी कहीं ना कहीं मेरे अंदर है एंड शी इज़ एम्पैथेटिक, शी वॉन्ट्स टू हेल्प पीपल, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, तो आई थिंक आई कैन रिलेट टू मुनामी इन अ लॉट ऑफ वेज। सो या चलो ठीक है, कोई नहीं, अगला बताते। इनके बेस्ट फ्रेंड आई थिंक विक्रांत नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमें पता नहीं, हमने इस बारे में बात करी नहीं ज्यादा। एक दूसरे का हुकअप लाइन, मेरा तलाक कराएंगे आप मोहतरमा मेरा तो, लेकिन नहीं ऐसा, ये हम यहाँ तक
लेवल पे पहुंचे यार, ये बहुत जल्द करेंगे लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। हमने बस गिन चुन के एक सीन किया, एक सीन किया हमने टुगेदर, एक सीन। मेरा तो बहुत सिंपल एक्सपीरियंस है, मेरे को तो देख के बोल दिया होगा खड़ूस आदमी है। नहीं मैंने सोचा था ऐसा, लेकिन ये ऐसे है नहीं इन रियल लाइफ एज ही सेड, बट फर्स्ट इंप्रेशन वही था खड़ूस है ना। नहीं यार, फर्स्ट इंप्रेशन वाज लाइक ओ माय ड्रीम कम ट्रू। हां करे करे, वर्ड सपने के बारे में बताओ वापस। रिपीट करो। नहीं एक्चुअली दोनों ने, मतलब ये आई वाज वेरी एमिकेबल, आई एम अ वेरी एमिकेबल पर्सन, मैंने आते इनको हाई किया था एंड ये गाड़ी में आई थी क्योंकि इनको पहले पिक किया गया था और हम उसके बाद मेरे को, क्योंकि हमको साथ नासिक जाना था, तो ऐसा कुछ था नहीं यार, मतलब हम दोनों उस तरह से तो बहुत अप्रोचेबल हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं। एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे, एक्चुअली होप है शो से, और वो होप इसलिए है कि ये शो जितना खूबसूरत बन रहा है ना, अगर ये शो चल गया इसके बाद हिंदुस्तानी टेलीविजन पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा, और वो बहुत ज़रूरी है। किस वजह से मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आएगा इसके बाद अगर ऐसा हो गया और ये शो सही जगह पहुँच गया जिस मुकाम पर हम पहुँचाना चाहते हैं, तो इसके बाद हमारा टीवी काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा, तो वो उम्मीद है मुझे इस शो से। कॉपी दैट। I think some of his acting skills, which I feel should be must in an actor. तो जो चीज़ अगर मेरे अंदर नहीं है और मैं देखूँ कि उनमें है वो चीज़, तो I think that is something I would like to pick up from him and learn from him. I think what I would want to take from her is her patience. Because I've seen it in a lot of different ways and different situations, whether it's handling people, whether it's listening to people, whether it's listening to the director, whether it's listening to me. See, she's got a lot of patience. And it's not in me. So yeah, patience. Nice. मैं तो इनको देती भी हूँ एक्चुअली शो में, खड़ूस। खड़ूस हाँ। मैं भी देता हूँ, मैंने तो खैर कुछ नहीं दिया, मैंने नमूना। देखिए, आई विल ओनली से दैट दिस इज वन ऑफ दोज शोज जो आप लोग देखना चाहते थे काफी अरसे से, आप लोगों ने उम्मीद लगाई थी हम जैसों की तरह, फाइनली एक ऐसा शो आ रहा है, अपना प्यार बौछार, अपने प्यार की बौछार करी। Keep praying for us, keep wishing the best for us, keep loving us the same way, and all that we can say is we will try our level best to make sure that you guys are entertained, you guys feel the love, and you guys feel our hard work. Yes, and please do not forget to watch it, watch us on 30th of August, 8 PM, Sombar se Shukravar, only on Sony Sub. Correct, oh wow. Wow, I said it in a plug-in bhi de diya, wow.